दोस्तों, कितना प्यारा है सहजन। हम गांव आए थे तो मैं सोचा कि ये रेसिपी जरूर आपको मैं शेयर करूं। जब भी गर्मी के दिनों में गांव पे कोई आता है तो ये सब्जी जरूर खाता है। तो आज हम सहजन के पेड़ के पास आए और सहजन तोड़ेंगे आज हम। तो चलिए सहजन को तोड़ते, और ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत पेड़ है और इसमें बहुत सारे सहजन भी आए हैं। तो आज हम सहजन को काटेंगे और उसके बाद इसे बनाएंगे। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा हसुआ है। बहुत आदमी से दांत भी बोलते हैं, पगड़िया हसुआ भी बोला जाता है। तो इससे हम काटेंगे आज। तो चलिए काटते हैं। पेड़ बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों। ये देखिए कितना आसानी से कट रहा है। और कोई और चीज का अगर पेड़ हो तो इतना मोटा सखाओ काटने में बहुत ही मेहनत लगने वाला है, लेकिन सहजन का पेड़ बहुत ही नाजुक होता है और बहुत आसानी से कट जाता है। दोस्तों कितना प्यारा है सहजन, सुंदर सहजन आया है, बिल्कुल ताजा है। और इसको तोड़ने में बहुत ही मजा आता है दोस्तों। ये देखिए कितना आसानी से टूट रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा सहजन पेड़ से टूट के आ गया। अब इसे हम अच्छे से धो देंगे और देखिए कितना ताजा है, बिल्कुल फ्रेश है सहजन। और आज इसे हम बनाएंगे। और सहजन के बारे में कहा जाता है कि 100 बीमारियों का इलाज है। तो चलिए 100 बीमारियों का इलाज करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मौसम भी खराब हो चुका है, देखिए ये बन पाता है कि नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है, बहुत ज्यादा मौसम खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसे सहजन बनाने आता है उसके लिए तो ये छीलना बहुत आसान है, बहुत मजा आता है छीलने में। और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए सहजन को छीलना ही बहुत मुश्किल काम होता है। मैं एक दिखाता हूँ आपको छील के। देखिए ये सहजन है, इसमें कुछ भी करने का जरूरत, ये छोटा सा यहाँ पे पहले तोड़ना है, हल्का सा ऐसे उखाड़ लेंगे, उसके बाद ऐसे करके और ऐसे खींचना है। ये देखिए खुद ब खुद ये छिल जाता है दोस्तों, कोई चाकू की जरूरत नहीं है, कोई चीज का जरूरत नहीं है, ऐसे करके हम, ये देखिए अब ये छिल गया। अब इसे हम आराम से इसे तोड़ लेंगे। ये देखिए फिर से ऐसे करेंगे और ऐसे टूट जाएगा ये। ये देखिए ऐसे हम सारों को छील लेंगे और बहुत मजा आता है सहजन बनाने में। सबसे अच्छा पार्ट छीलना ही लगता है, और छीलने का अगर जैसे ये टेक्निक पता है उसके लिए बहुत अच्छा है, मजा आता है छीलने में। और एक और सहजन होता है, इसे छीलने की कोई जरूरत नहीं है, आप तोड़ दे ऐसे। ये देखिए टूट जा रहा है ना, ये देखिए बड़ा सहजन नहीं टूटेगा। ये देखिए ये नहीं टूट रहा है, लेकिन जो ऐसा मुलायम होता है कोई कोई, देखिए आसानी से टूट जाता है। ये देखिए, और इसे खाने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि इसको सीधे आप खा लो, इसमें कुछ निकलता नहीं है, कोई चूसने का जरूरत नहीं है, जबकि इसे हमें चूस के से निकालना पड़ता है इसके हिस्से को। तो दोस्तों ये देखिए सहजन हमने छील लिया अच्छे से और इसे पानी में डाल दिया था, और हमने आलू को भी छील के काट लिया है। तब ये दोनों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने सरसों तेल डाल दिया है इस पे। दोस्तों इसमें हम आधी चम्मच सरसों और राई डाल देंगे फोरन के लिए। और ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, उसका साइन है, ये चटकने लगा है। तो चलिए इसे हम सब्जी को इसे फ्राई कर लेते हैं। तब दो मिनट फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम मसाला को डालेंगे दोस्तों। तो चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मसाला हम यूज करेंगे, हमने 2 चम्मच सरसों लिया है, इसमें राई और सरसों मिक्स है, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, और लहसुन का पोट छोटा वाला है तो हमने 3 पोट लिया। अब इसे हम पीस लेंगे, उसके बाद इसमें हम सूखा मिर्च और हल्दी धनिया डालेंगे दोस्तों। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों मसाला हमारा पीस चुका है, इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच हमने मिर्च पाउडर यूज किया है, आप अपना तीखा अनुसार यूज करें, 2 चम्मच धनिया। अब इसे मिक्स करके हम सब्जी में डालेंगे दोस्तों। दोस्तों बारिश भी शुरू हो गया है, लेकिन हम बना के ही छोड़ेंगे आज अपना डिश को।
दोस्तों बारिश ज्यादा हो गया तो हमें नीचे आना पड़ा है। और ये देखिए फ्राई हो चुका है हमारा, तो इसमें हम मसाले को डाल देंगे। हमने ये सारे मसाले को मिक्स कर लिया था, तो चलिए इसे हम डाल लेते हैं। सारे मसालों को हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से भूंजेंगे। दोस्तों हमने 3 टमाटर भी काट के इसमें डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने में दोस्तों बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि इसका अच्छे से तेल ना छोड़ दे मसाला। तो दोस्तों मसाला के साथ ही नमक देना होता है, लेकिन हम भूल गए बारिश के कारण, थोड़ा हड़बड़ाहट हो गया, तो नमक हम अब दे रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक दे दें, और जब मसाला देना है तभी नमक देना होता है, तो उसी समय नमक को डालें। तो दोस्तों मसाला भून चुका है, ये देखिए। तो अब इसमें हम पानी देंगे, इसे हमें अच्छे से खौला लेंगे, और हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में सब्जी। ये देखिए दोस्तों, ओहो, तो हमारा सब्जी तो ऑलमोस्ट बन गया था, धनिया डालना रह गया था, तो हम सोचे चलो ऊपर ही डालते हैं इसको धनिया। देखिए कितना अच्छा कलर है, और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा इसका खुशबू आ रहा है दोस्तों। थोड़ा सा धनिया इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों हमारा सब्जी बनके रेडी हो चुका है, और ये देखिए कितना खूबसूरत आया है इसका कलर। तो हमारा सहजन आलू की सब्जी बनके तैयार हो गया है, तो चलिए इसे मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो चलिए टेस्ट करते हैं दोस्तों। सहजन देखते हैं कैसा है, दोस्तों सच में बहुत ही अच्छा बना है सहजन आलू की सब्जी, और ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। और ये रेसिपी आप ट्राई करें, आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। जो भी सहजन आलू की सब्जी खाते हैं, इससे अच्छा रेसिपी नहीं हो सकता है, बिल्कुल गांव की याद आ गई है। तो बिल्कुल जरूर ट्राई करें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू दोस्तों, प्लीज सपोर्ट करें दोस्तों, थैंक यू।